मैं बिमला वर्मा नोएडा से आई हूं। कहीं बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव। मैं बिमला वर्मा हूं, नोएडा से आई हूं गुरुजी। जब हम 2021 में बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर आए थे पहली बार, 2020 में मेरा सब कुछ गिरवे रखा हुआ था। देखिए गुरुदेव, शिव महापुराण का फल क्या होता है मैं बताना चाहती हूँ। मेरे घर में बहू का मंगलसूत्र, मेरे कानों की बालियाँ, बच्चों का जो भी सामान था, चांदी की बच्चों की पायल, गले का मंगलसूत्र, कान की बाली, कोई सामान हमारे घर में नहीं था, सब गिरवे में रखा हुआ था। मकान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं। मेरा बेटा वृंदावन में ही काम करता है, उसका काम धंधा भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। इतने कर्जे में लदालुम हो गए, इतने कर्जे में लदालुम हो गए कि कई बार तो विचार कर लिया कि रहना ही नहीं। फिर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनते ही मन में विश्वास जागृत हुआ। सीहोर गए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनी, विनती करी और निवेदन करा, बाबा आप कंकर शंकर के रूप में विराजमान होते हो। शिव महापुराण में गुरु जी कहते हैं कि जो मांगा जाता है वो देता है, मेरा कर्जा पूरा चुकवा दीजिए। घर में मंगलसूत्र तक मेरे गले में पहनने के लिए नहीं, मेरी बहू के गले में भी मंगलसूत्र पहनने को नहीं, कान में बाली नहीं। सब हंसते हैं बाबा। बाबा मैं ये 2022 की इस कथा में कंजरी गांव में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे बाबा ने जो 2020 का कर्जा था 2021 से चुकाना चालू कर दिया और आज 2022 में पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गई, तो मैं यहां प्रणाम करने आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मैं नोएडा से आई हूं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई और बाबा से विनती करने आई हूं। मेरी एक तमन्ना है कि मैं भी नोएडा में एक शिव महापुराण की कथा कराऊं, ये बाबा से विनती करूं। शिव तत्व है शंकर, एक लाइन आपने अच्छी लिखी दीदी, कर्जा कोई दूसरा नहीं चुकाया, स्वयं मेरा महाकाल आया और वो चुका कर गया। आज मैं वापिस मंगलसूत्र और बालियां पहन रही हूं, ये शिव की कृपा, ये शिव की उदारता, शंकर की कृपा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव तत्व को जानो, शंकर की उदारता, शंकर का गुणगान, शिव की भक्ति। फिर कहूंगा कंजरी में अगर ये कथा आई है तो कंजरी वालों का कुछ भाग्य खोलने के लिए आई होगी, हालोल वालों का भाग्य खोलने के लिए आई। ये कथा ऐसे आती ही नहीं है, कितना ही प्रयास करो।